हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ एंड ईवीएस वन लेसन नंबर 11, दैट इज़ आर होम एंड एनवायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सारे क्वेश्चन आंसर अपलोडेड हैं डाइजेस्ट के। ये थोड़े कुछ चैप्टर्स बच गए हैं जो आपके कुछ जो ज्योग्राफी और सिविक्स के पार्ट हैं, वैसे मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, बट जिसके कॉमेंट्स आ रहे हैं अभी वो भी मैं यहाँ पर अपलोड करती जा रही हूँ। तो इसके कॉमेंट्स आए थे तो इसलिए मैंने इसके भी यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के अपलोडेड हैं, ठीक है। हाउस किससे बने होते हैं? क्ले, वुड, सीमेंट से। तो राइट ऑप्शन इज सीमेंट। आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा क्या है? होमलेसनेस इज़ अ पर्सनल पॉलिटिकल सोशल सोशल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो सोशल है। डैश इज़ अ नॉन एग्जॉस्टेबल, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है एनर्जी। ये कौन सा? सोलार एनर्जी, सन से मिलता है, कभी नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। जब तक सन है तब तक रहने ही वाला है और सन तो रहने ही वाला है, तो ये नॉन एग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होगा। राइट द आंसर्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस दिए गए हैं। सो पहले में कौन सा राइट ऑप्शन है? सो पहला देखो यहाँ पे ये वाला आयन, सीमेंट, मोर्टार, ब्रिक्स, ये वाला राइट ऑप्शन यानी सी यहाँ पर लिखा भी गया, ऑप्शन सी। दूसरा वाला देखो, यहाँ पर भी आंसर दिया हुआ है, देख सकते हो। विच आर द फॉलोइंग आर द एग्जॉस्टिबल, कौन सा ख़त्म होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पे? तो ये भी ऑप्शन सी, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, राइट। अब वैसे ही यहाँ पे देखो इसमें ये ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ होमलेसनेस, घर से बेघर होने का क्या रीज़न है? तो यही है, गरीबी, बेरोजगारी, फिजिकल डिसऑर्डर, कोई पागल वागल हो जाता है तो घर छोड़ के चला जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर, कुछ फ्लड आया, कुछ इस तरीके का आया, अर्थक्वेक वगैरह, घर पर गिर गए तो लोग बेघर हो गए। जो स्टेटमेंट गलत है उसको वापस से लिखना है। फ्लैट रूफ्ड हाउसेज आर सीन इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, तो नहीं। तो हैवी रेनफॉल में कैसे दिखते हैं? स्लैंटेड रूफ्ड, ठीक है। दूसरा, विंड एनर्जी इज एग्जॉस्टिबल, तो नहीं, ये नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ओके। थर्ड का भी आंसर देख लो यहाँ पे दिया गया है। नाम बताना है सबके। मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं हाउस बिल्ड करने में, बनाने में? तो ब्रिक्स है यानी ईंट, सीमेंट, आयरन, वुड, वाटर एंड रबर, ग्लास, सब ये सारे ऑप्शंस हैं, ओके। ये सारे हैं पॉइंट्स। द बेसिक नीड्स ऑफ मैन क्या क्या है? ये सारे, एयर, फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर। सोशल प्रॉब्लम क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है, घर से बेघर होना, पॉपुलेशन है, एक्सप्लोजन है, ये सब। पोल्यूशन के क्या क्या टाइप्स हैं? तो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ये सब है। कभी ना ख़त्म होने वाले सोर्सेज कौन से हैं यानी कि नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज? तो देखो ये दिया गया है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। मैच द कॉलम्स, तो देखो ब्रिक्स मिट्टी से बनते हैं, बेक किए जाते हैं। सीमेंट लाइमस्टोन से बनता है। ग्लास जो है वो सैंड से बनता है, आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे मैं इसलिए मैच करके बताती हूँ, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा आंसर किसका है, ये देख के भी उनको समझ में नहीं आता छोटे बच्चों को, इसलिए मैं यहाँ पर समझा दी, ओके। एनर्जी क्या है वो बताना है। एनर्जी डिफाइन किया जाता है एज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। ख़त्म होने वाले, व्हाट आर द एग्जॉस्टिबल, ख़त्म होने वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं? वो रिसोर्सेज जो पूरे ख़त्म हो सकते हैं, अगर ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, अगर ओवर यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल। नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो रिसोर्सेज जो हम कितना भी यूज़ करें वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, जैसे हवा और सोलार एनर्जी यानी विंड एनर्जी एंड सोलार एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन डज द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू, तो देखो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, फ्यूल जलने से। व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज शुड बी बिल्ट बाय मैन, देखो परमानेंट हाउसेज दैट आर इको फ्रेंडली शुड बी बिल्ट बाय मैन, ऐसा बनाना चाहिए। व्हाई डू वी फाइंड डिफरेंसेस इन हाउसेज, क्योंकि रीजनल डिफरेंसेस की वजह से जहाँ के जैसे वेदर कंडीशन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे होते हैं, इसलिए घरों में डिफरेंसेस मिलता देखने को मिलता है हमें।
वेयर डू द होमलेस पीपल सीक शेल्टर, कहाँ पे शेल्टर लेते हैं वो, जहाँ पे वो घर से बेघर हो जाते हैं तो वो लोग रोड के साइड में, फुटपाथ पे, ब्रिजेस के नीचे, टम्बल डाउन बिल्डिंग में, ठीक है, जो खंडर वगैरह हो जाते हैं, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, या फिर ओपन ग्राउंड में वो शेल्टर लेने लगते हैं। व्हाट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द होमलेस, जो होमलेस है जिनके पास घर नहीं, क्या उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट क्या देती है उनको? तो देखो यहाँ पे दिया गया, कई सारे स्कीम्स लाती है उनके लिए, कई उनको होम भी प्रोवाइड करती है होमलेस पर्सन को, और उन्हें नाइट शेल्टर यूज़ करती है सिटीज़ में, शहरों में उनको नाइट शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। व्हाट इज़ आर राइट, हमारे राइट क्या हैं, हक क्या हैं? वी हैव अ राइट टू गेट क्लीन पोटेबल वाटर, मतलब पीने लायक पानी, सफिशियंट फूड, सेफ शेल्टर और एजुकेशन, क्या राइट है हमें, हर किसी को है। विच फैक्टर्स टर्न हाउस इन टू अ होम, एक जो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक हाउस को एक घर में बनाते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं प्यार से, अफेक्शन से, ठीक है, एक साथ रहते हैं, तो वो वही क्या होता है, हाउस से होम बन जाता है, ठीक है। ये देखो ये आपका सिविक्स का पार्ट है सब ये चैप्टर। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू हैवी यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू बिल्ड हाउसेज, द प्रॉब्लम लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब जो अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है, जो ट्रीज काट के गिराए जाते हैं, जो फॉरेस्ट ख़त्म करे जा रहे हैं, जो एनर्जी क्राइसिस हो रही है, एनवायरमेंटल जो ख़त्म हो रहा है, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, चाहे एनिमल्स मर रहे हों, या जो हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेस हो रहे हैं, मतलब ये सब के सब वो घर बनाने के लिए ही कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो ट्रीज़ क्यों काटे जाते हैं, फॉरेस्ट क्यों काटे जाते हैं, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ क्यों होती है, ठीक है। इसीलिए कौन कौन से टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैं जो ऑब्जर्व किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट में, तो सबसे चीज़ तो एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, सारे टाइप्स जो पोल्यूशन है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे देखने को मिलता है, जहाँ पे घर बनाए जाते हैं। कौन से टाइप के रिसोर्सेज मैन के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो नॉन एग्जॉस्टेबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड बाय अ मैन, ऐसे भी यूज़ कर रहे हैं। इन विच सिक्वेंस विल यू प्रीफर द फॉलोइंग थिंग्स वाइल्ड बिल्डिंग हाउसेज, लग्जरी स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, सो आंसर क्या दिया गया है, वी विल प्रीफर द अबव थिंग्स, ये तीनों, क्लाइमेट, लग्जरी, स्ट्रक्चर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ में आंसर देना है, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन यूजेज ऑफ अ हाउसेस, हाउस, तो पॉइंट वाइज दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, हर न्यू जो पॉइंट्स है हर न्यू लाइन से स्टार्ट करनी है, ठीक है, बीच में मिक्स नहीं करना, ऐसे यहाँ पे देखो बीच में मिक्स किया गया है, फिर थर्ड इधर से बीच में दिया, ऐसे नहीं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देना है, तो दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो इजी है सारे आंसर्स। फिर सेकंड वाला देखो, दिया गया है ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है, होमलेस का क्या प्रॉब्लम होता है, सोशल प्रॉब्लम है ये, ठीक है, गरीबी, नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं फिजिकली, तो मैंने आपको बताया इन सब की वजह से होमलेस होता है कोई भी इंसान, ओके, और होमलेस पर्सन क्या करते हैं, रोड साइड में, ब्रिजेज में, इस जगह पे अपने घर देखते हैं, और गवर्नमेंट उनके लिए सुविधाएं लाती है अलग अलग टाइप्स के, और नाइट शेल्टर भी प्रोवाइड करती है शहरों में, ये आंसर है। विच मेथड्स आर यूज्ड आर फॉलोइंग बाय अ मैन आफ्टर नेचुरल रिसोर्सेज, तो आंसर देख सकते हैं ये क्या करते हैं, पहले तो हिल्स को खोदते हैं, क्वेरिंग करते हैं, फिर उसमें से सैंड निकालते हैं, सी शोर निकालते हैं रिवर बेड से, ठीक है, और स्टोन निकालते हैं अर्थ में से, अर्थ के ज़मीन के अंदर से, और एक्सेसिव अमाउंट मतलब ग्राउंड वाटर भी पूरा निकाल लेते हैं, ट्रीज काट के गिरा के पूरा लैंड क्लियर कर देते हैं, जो तालाब है, झीलें हैं, उसको जो स्ट्रीम रिवर्स यानी जितने वाटर बॉडीज़ हैं उन सबको क्या करते हैं, वहाँ पे उसको लो लाइंग एरिया मतलब एकदम प्लेन कर देते हैं वहाँ पे रहने के लिए, ये सब वो यूज़ करते हैं, ठीक है, इंसान नेचुरल रिसोर्सेज को। विच आर द हाउसेज गिवन ऑन टेक्स्ट बुक पेज 57 वुड बी सुटेबल इन अ माउंटेनियस रीजन, गिव रीजन फॉर द सेम, बोला गया है जो पेज नंबर 57 पे जो बुक्स जो इसमें हाउसेस के पिक्चर्स दिए गए हैं तो कौन सा सही घर होगा वो बताना है, तो ये देखो आंसर दिया गया है, रीज़न भी उसका दिया गया है, आप समझ सकते हो इसको, ठीक है, स्मॉल मल्टी स्टोरेड हाउस यानी कि मल्टी स्टोरेड हाउस, बहुत सारे मल्टी स्टोरेज हाउसेस दिए गए हैं, ब्रिक स्टोन सीमेंट रूफ टाइल्स ये सब के सब सुटेबल है माउंटेनियस रीजन में, यानी हाउस विच टू द लेफ्ट इन द फर्स्ट रो, पहले लाइन में है, मतलब विच टू द लेफ्ट, लेफ्ट में है पहले ही रो में,
पंद्रह 50% भी दिया। रीज़न क्या है इसके, रीजन भी यानी कि क्या रीज़न है उसका, वो दिया गया। माउंटेनियस रीजन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे तेज हवाओं के साथ आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, अगर वो मिट्टी का रहेगा, क्ले का रहेगा, स्टिक से बना होगा, तो ये क्या होगा, सुटेबल नहीं होगा। तो ऐसी जगह पे क्या होगा, ऐसी जगह पे हाउसेस कैसे बने बने जाने चाहिए, इस तरीके के सीमेंट स्टोन से बने चाहिए, टाइल्स से बने होने चाहिए, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। राइट इन ब्रीफ सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फ्रेंडली हाउसेस। थोड़ा मैं आपको ये जूम इन करके बता देती हूँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। इको फ्रेंडली थिंग्स जो आपके घर में है देख सकते हो, से दिया गया है। सोलर कुकर है, स्पेशस विंडो है, बिग अर्थन पॉट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से बना है, ठीक है। फ्लावर प्लांट्स हैं ओपन स्पेस में घर के सामने। टैंक है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। आप अपने तरीके से भी बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लो अच्छे से, इसका थोड़ा सा ब्लर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ख़त्म होने वाले सोर्सेस कौन कौन से हैं। तुम्हें पता है ये सब जो है, ये सब के सब ख़त्म होने वाले हैं। इससे पोल्यूशन भी बढ़ता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है उसके जलने से। नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्सेस क्या है, ये भी हमें पता है, जो सोलार एनर्जी होती है, बायोगैस होता है, ठीक है, जो विंड एनर्जी होती है, सोलार एनर्जी होती है, वो सब। फेयरिंग ट्रीज एंड फॉरेस्ट, जो जंगलों को और पेड़ों को काट के गिराए जा रहे हैं, उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स हमेशा आपको न्यू लाइन से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे ये चैप्टर ओके, सो यहाँ पे देख लो, ये 8 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो सारे घर दिए गए हैं, किस रीजन में कैसे घर होने चाहिए वो भी दिया गया है, देख सकते हो। अब यहाँ पे ये पूरा दिया गया है, प्लेन्स रीजन में किस तरीके के घर होते हैं, फ्लैट रूफ हाउस होते हैं, शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। बिल्डिंग रूफ कैसा होता है, वुड और अर्थ यानी मिट्टी से और लकड़ी से। वॉल कैसा है, स्टोन और अर्थ से। तो ये पूरा आंसर देखो इसका दिया गया है, जो हमने हाउसेस देखा वही था, उसी का है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है, टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग तरह के घर, अलग अलग रीजन्स में क्या रीज़न है ऐसे घर को बनाने का। ओके, इस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लो। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे जो ओपन एंड क्वेश्चन है वो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। सारा यहाँ जितने क्वेश्चन आते मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आपको कोई भी वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर का, एक्सप्लेनेशन का, जस्ट आपको कमेंट करना है, आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये सब सारे वीडियोस जो भी मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये सारे के सारे कमेंट्स पे ही आ रहे हैं, आपकी डिमांड पे ही आ रहे हैं। ऑलरेडी सारे इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट्स जो हैं, क्वेश्चन आंसर भी सारे के सारे अपलोडेड हैं। जो बचा हुआ है बस वही मैं यहाँ पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं बस वही बना रही हूँ। ओके, कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ लेना।